बदनामी तो अब भी है, कर्मचारी पर शोषण कर रहे हैं, ये बदनामी नहीं है। मोदी ने बोला तिरंगा लगाओ तो लोगों ने तिरंगा लगाया, लेकिन उस तिरंगे के अंदर जो डंडा था ना, उस डंडे को बोला अपने लोगों को अब उस डंडे से इनको पीटना स्टार्ट करो, उसी डंडे के डंडे से हमारे लोगों को पीटा जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री पैर धो रहे हैं, एक तरफ पैर धोए जा रहे हैं, एक तरफ SC ST पे हमला किया जा रहा है, एक तरफ पैर धोए जा रहे हैं, एक तरफ संविधान पे हमला किया जा रहा है, एक तरफ पैर धोए जा रहे हैं, एक तरफ दलितों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी प्रशासन की मतलब मिलीभगत है। ये डॉक्टर लोबी है, ये डॉक्टर लोबी क्या करती है, अगर इनको मन के मर्जी है, इस कानून या संविधान से बंधे हुए अपने आप को ऊपर समझते हैं, हम लोगों को रोका जा रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें पता है इनके हक अधिकार छीनने कैसे हैं। अब ये बहुजन जाग रहा है, ये तमाम दबे कुचले लोग जाग रहे हैं और अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये व्हाइट कोट की ताकत है, वो ताकत दिखाने का काम इन्होंने किया, तमाम लोगों के पास गए लेकिन इनका न्याय नहीं मिला, उसके बाद हार के ये लास्ट स्टेप इन्होंने उठाया भूख हड़ताल का। तो हम लोग उनको जेल में पहुंचाने की तैयारी करेंगे, हम लोग रोड से भी लड़ेंगे और कोर्ट से भी लड़ेंगे। धमकी हमारे प्रशासन ने आगे दी कि आप ऐसे हड़ताल करोगे या भूख हड़ताल करोगे तो आपके पास आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैंने अपने अधिकारी को बताया, जो मैं जिनके अंडर में काम करता हूं उनको भी मेरे साथ साथ सस्पेंड कर दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं हिंदू राव अस्पताल के पास, जहां पर कर्मचारियों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन पुराना है, आज नया नहीं है। आज जो है ये लोग परेशान होकर जब सुनी नहीं गई तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या हुआ था, क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं? मैडम 10 दिन पहले एक कर्मचारी अपनी मांग डिमांड मतलब मरीज को लेकर जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी पर जाता है, और ड्यूटी पे जाने के बाद वो बस गलती इनकी ये है, गलती नहीं कहूँगा, ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, डॉक्टर को उठाया कि डॉक्टर साहब आपके लिए लिखा है, आप इस मरीज को देखिए। वो मरीज को देखने की बजाय वो डॉक्टर जो है इनको जाति सूचक शब्द से संबोधित करता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी है भाई नींद खराब करने की, तुम यहाँ के धक्के भी दिए, फाइल पकड़ के मुँह पर फेंक के मारी, और डॉक्टर है वो लोग उन्हें पता है, तो दोबारा फाइल छीन के उस पर नोटिस लिख के भेज दिया गया ताकि रिसीव कर ली गई। और साथ साथ मुझे बताया अधीक्षक साहब ने कि उन्होंने तुरंत अपनी MLC कटाई, भाई डॉक्टर है वो लोग, MLC वही लोग कटेंगे, तो MLC भी उनकी कटी, उल्टा बताया गया कि सफाई कर्मचारी ने पिटाई लगाई है। तो आप लोग सोच के देखिए, जो पीड़ित है उसकी आवाज़ उठाने की बजाय जो शोषण कर रहे हैं, जो शोषण करने वाले लोगों के साथ ये पूरा प्रशासन खड़ा हो गया है। और जब पूरा प्रशासन खड़ा हुआ तो ये लोग तमाम लोगों के पास, चाहे वो सफाई कर्मचारी आयोग हो, चाहे वो यहाँ की मेयर हो, तमाम लोगों के पास गए लेकिन इनका न्याय नहीं मिला, उसके बाद हार के ये लास्ट स्टेप इन्होंने उठाया भूख हड़ताल का, जो आज कल से इन्होंने घोषणा की, आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। प्रशासन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किसी एक के साथ हुई प्रताड़ना को बढ़ावा दे रहा है, डॉक्टर ने प्रताड़ना की है वो बढ़ावा देकर इन्हीं को प्रताड़ित कर रहा है, तो फिर ये आने वाले समय में डॉक्टर को सह मिलेगी और वो सबके साथ फिर यही करेगा। मैडम ये डॉक्टर लोबी है, ये डॉक्टर लोबी क्या करती है, अगर इनको मन के मर्जी है, इस कानून या संविधान से बंधे हुए अपने आप को ऊपर समझते हैं, अगर कर्मचारी ने या मरीज ने कुछ बोल दिया तो पूरे एक मिनट के अंदर पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल चले जाते हैं। क्या भाई ऐसा क्या कर दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपनी मनमानी दिखाने के लिए ये लोग हड़ताल करते हैं। हमारी ताकत है, ये व्हाइट कोट की ताकत है, वो ताकत दिखाने का काम इन्होंने किया है। और डॉक्टर ने ही इस हॉस्पिटल का डोर बंद कर दिए गए कि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल ना पाएगा ना जा पाएगा, और नाम किनका लगाया जाएगा, नाम कर्मचारी को लगाया जाएगा, कर्मचारी तोड़फोड़ करता है। ये तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, जो 40 साल की नौकरी पूरी शांति से गुजार दी गई, उस शांति प्रिय लोगों को उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि सफाई कर्मचारी के बच्चे डॉक्टर वकील इंजीनियर कैसे बन पा रहे हैं भाई, उनको हजम नहीं हो रहा है कि सफाई कर्मचारी के बच्चे इतने बड़े बड़े ओहदे पर कैसे जा रहे हैं भाई। तो उनको रोकने के लिए इनकी 60 साल की जमा पूंजी पर उन्होंने रोक लगा दिया गया है ताकि ये कहीं बढ़ ना पाए। हम उनसे बात करेंगे जिनके साथ ये सारी दुर्घटना हुई है, सारी प्रताड़ना हुई है, क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है आपके साथ, क्या किया गया है, धमकी भी दी गई है आज आपको? धमकी हमारे प्रशासन ने आगे दी कि आप ऐसे हड़ताल करोगे या भूख हड़ताल करोगे तो आपके पास आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कैसी कार्रवाई की जाएगी, और अभी आपके साथ क्या क्या कुछ हुआ है? मेरे साथ तो यही हुआ है जी कि मैं अपनी ड्यूटी पे पूरा सही था, इन डॉक्टरों ने मेरे साथ ज्यादती करी है, बदमाशी करी है पूरी पक्की, मेरे को उल्टे सीधे शब्द किए गए हैं, मेरे को धक्का दिया गया है, पेशेंट को लेके गया हूँ मैं, पेशेंट को देखा नहीं है, 15 नंबर वार्ड से मैं डॉक्टर ने भेजा था पेशेंट, मेरे साथ में फुल बदतमीजी हुई करी है इन्होंने डॉक्टरों ने,
और आपने कंप्लेन की शिकायत की आपके साथ बदतमीजी की, तो आप ही को सस्पेंड कर दिया? मेरे को ही सस्पेंड भी कर दिया है जी, और पहले तो ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, फिर मेरे को सस्पेंड भी कर दिया, आईडी लगा रहे जो इसका कुछ भी ना मिले ज़िंदगी का पूरा। मैं कहाँ लेके जाऊँगा सब बच्चे अपने, मेरे बच्चे शादी के लिए बैठी है, मेरी दो बेटी, मैं क्या करूँगा बताओ आप। मैंने अपने अधिकारी को बताया, जो मैं जिनके अंडर में काम करता हूँ उनको भी मेरे साथ साथ सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के लिए तो कहा जा रहा है वो सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा, और आप लोग के साथ ये सब कुछ हो रहा है? देखो जी साहब, मैं इस बात क्या कह सकता हूँ कि किसी के पैर धो रहे हैं और किसी के जूते मार रहे हैं, तो ये मैं नहीं कह सकता इस बात पे। तो क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री पैर धो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं? अरे प्रधानमंत्री पैर धो रहे हैं, उनके तो मुख्यमंत्री पैर धो रहे हैं, जो आपने मध्य शिवराज जी जिसको मामा जी बोला जाता है वो भी पैर धो रहे हैं। तो आप ये देखिए, एक तरफ पैर धो जा रहे हैं, एक तरफ SC ST पे हमला किया जा रहा है, एक तरफ पैर धो जा रहे हैं, एक तरफ संविधान पे हमला किया जा रहा है, एक तरफ पैर धो जा रहे हैं, एक तरफ दलितों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी प्रशासन की मतलब मिलीभगत है। आप लोग देखिए, इसी हॉस्पिटल की यूनियन वो ताला लगा गई है, वो हॉस्पिटल की यूनियन अपने यूनियन कार्यालय में ताला लगा के भाग गई है कि भैया इन कर्मचारी की आवाज़ ना उठ जाए। वो शासन प्रशासन इतना ज़्यादा परेशर बनाए हुए हैं, या कि MS या पूरा हॉस्पिटल मिलकर ये रोकने की प्लानिंग हम लोगों को रोका जा रहा है, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। उन्हें पता है इनके अधिकार छीनने कैसे हैं। वो ठेकेदारी पे लगे खड़ा कर दिया, पहले ठेकेदारी आई और ठेकेदारी रोक नहीं पाए, तो अब क्या किया उन्होंने, ठेकेदारी पर लगने के लिए जेब से 70,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, और हमारे लोग बोल रहे हैं अरे 70,000 ले ले भाई, कूड़े गाड़ी पे लगवा दे भाई, अरे 70,000 ले ले भाई, सीवर में कुदवा दे भाई। इस कंडीशन में लगे पटक दिया गया है, जो लोग इस देश के अंदर वोट देने का काम करते, वोट देते 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 आज यहाँ पहुँचा दिया गया है। तो हम लोग ऐसी सरकारों को, अब ये बहुजन जाग रहा है, ये तमाम दबे कुचले लोग जाग रहे हैं और अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोरोना के समय में थाली ताली बजाकर फूल बरसाकर तमाम शबाशी लूटे थे कि यहाँ कितने ध्यान रख रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है। मैडम देखिए, मोदी ने बोला थाली पीटो तो लोगों ने थाली पीटी, मोदी ने बोला तिरंगा लगाओ तो लोगों ने तिरंगा लगाया, लेकिन उस तिरंगे के अंदर जो डंडा था ना, उस डंडे को बोला अपने लोगों को अब उस डंडे से इनको पीटना स्टार्ट करो, उसी डंडे के डंडे से हमारे लोगों को पीटा जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने अब ये पूरे देश के अंदर, हमारे जो भाई हैं सफाई अधीक्षक हैं सतीश, ये विजय जी और ये भाई दोनों ने प्रकाश जी, इन्होंने अपने प्राण त्यागने की घोषणा कर दी है। प्राण त्यागने के बाद अब MS BP नापने आ रही है भाई। अरे BP तो जब भी बढ़ गया 10 दिन पहले, जब कोई नापने नहीं आया BP भाई, आज BP नापने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है, डर इस बात का कि इनकी हालत बिगड़ गई तो शासन प्रशासन के लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। तो हम लोग उनको जेल में पहुँचाने की तैयारी करेंगे, हम लोग रोड से भी लड़ेंगे और कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है प्रताड़ना की जाती है, जमीनी क्या कुछ कहेंगे, जो भी ये चल रहा है अस्पताल में, जब डॉक्टर भगवान कहा जाता है वो डॉक्टर ही हैवान बना हुआ है। देखो मैडम, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे ये कोटाराघात किया जा रहा है इन कर्मचारियों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर एक भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान ही जब शैतान बन जाए तो कर्मचारी क्या करेगा, अपनी भूखमरी की कगार पर है। हम दिल्ली की जितनी भी यूनियन है वो इनके साथ हैं, आज एक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, और आज अभी 3 बजे सैली ओबराई जी से टाइम मिला है। आज इनको बहाल नहीं किया जाता तो दिल्ली में G20 जो चल रहा है उसका हम बहिष्कार करेंगे, और दिल्ली पर कूड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, पूरा कूड़ा फैलाएंगे, बिल्कुल कूड़ा फैलाएंगे। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने थाना है दिल्ली में, सारा काम बंद हड़ताल होगी। आज हमारी सैली ओबराई जी 3 बजे के बाद मीटिंग है, आज कोई फैसला नहीं आता हमारे पक्ष में तो कल से दिल्ली में कूड़ा होगा। पूरे दिल्ली को 3 दिनों के लिए सील किया जा रहा है, पूरी दिल्ली को 3 दिन सील किया जा रहा है, तो हम 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही कूड़ा कर देंगे, जो हमारे G20 20 देशों के राष्ट्रपति। इससे तो बदनामी आपके भारत की हो। देखो बदनामी तो अब भी है, कर्मचारी पर शोषण कर रहे हैं, ये बदनामी नहीं है। उनको भुखमरी की कगार पर भेजा जा रहा है, वो नहीं है, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो इनका भुखमरी कगार पर नहीं है। जब वो हमारे लिए नहीं सोच रहे तो हम क्यों किसी के लिए सोचेंगे। प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे, कह रहे हैं युग पुरुष हैं, ऐसे लोग बार बार नहीं आते, सदियों में आते हैं। देखो वो अपनी करनी कर रहे हैं,
और एक तरफ वो पैर धो रहे हैं और एक तरफ वो जूते भी मार रहे हैं। हम जूते खाने वाले नहीं हैं। ये दलित समाज अब सक्षम हो चुका है, समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, अपना हक मांगना चाहता है और हमारा हक नहीं मिला तो हम छीनना भी जानते हैं। दलितों के साथ आए दिन कोई ना कोई छेड़खानी की जाती है, घर में घुस के ज़बरदस्ती की जाती है। अगर आवाज़ उठाई तो आवाज़ कुचलने के लिए उनके साथ किसी भी हद तक बर्बरता की जाती है। देखो दलितों पर जब जब अत्याचार होगा तो दलित जागेगा और अब की बार जो भी कोठाराघात हमारे साथ हुआ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे भाई को हिंदू राव के जितने भी कर्मचारी यूनियन है जो भी है जो इनके साथ छोड़ के चलेगी, इनका साथ बजे तक छोड़ गई मगर दिल्ली में 60 यूनियन है वो इनके साथ खड़ी है और साथ खड़ी रहेंगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो आज ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो इनको धमकी दी गई है कि आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम यूनियन वाले को धमकी मिलती रहती है। हमारे रणधीर गागड़ जी 15 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, इनको भी धमकी दी गई थी। क्या दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं रणधीर गागड़ जी, इनको 15 दिन भूख हड़ताल पर बैठे गए थे, इनको भी धमकी दी गई थी ये कर देंगे वो कर देंगे मगर इन्होंने अपना विश्वास जमा कर और कर्मचारी का भरोसा जताकर ये 15 दिन तक वहाँ बैठे रहे भूख हड़ताल पर 5 लोग और विजय प्राप्त कर हम जीत कर आए और प्रशासन को झुका कर आए और अब भी हमारे दो भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब फिर अभी तो दो बैठे हैं, इनके साथ साथ देखना अभी कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन इनके साथ है। आपको जो है कहा गया कि आगे कार्रवाई करेंगे धमकी के साथ, तो क्या उसमें ये था कि आपके साथ जो कुछ हुआ है उसको हम जैसे आपका सस्पेंशन रोक देंगे, डॉक्टर पे कार्रवाई करेंगे, ऐसा भी कुछ कहा कि सिर्फ धमकी दे के चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल के गए। वो कह रहे आगे कार्य चल रहा है आपके बारे में, आप वहाँ जाइए अपने सेंटर उसमें जाइए, वो करेंगे बात। अब हमारी तरफ से जो भी हो गया वो हमने भेज दिया है आपके लिए। अच्छा, तो मतलब आपको कोई सहायता नहीं दी जाएगी, उल्टा आप ही पर कार्रवाई की जाएगी? हमारे जो MS साहब आए दोनों छोटे और दोनों बड़े, उन्होंने हमारे को कोई ऐसी बात बोल के नहीं गए। तो साफ तौर पर एक तानाशाही चल रही है। अगर आप अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि अधिकार के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आप कर रहे हैं तो आपको धमकी दी जाएगी, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि आपने सुना। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।